हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उषा चैन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और सामान्य नियम के अपवाद को समझेंगे। असेसमेंट ईयर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 कर निर्धारण वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक वित्तीय वर्ष है। एक करदाता अपने पिछले वित्तीय वर्ष की आय पर अगले वित्तीय वर्ष में कर चुकाता है। ये फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों की अवधि है जो हर वर्ष पहली अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। ये पीरियड असेसमेंट प्रोसीजर के लिए चुना गया है। एक करदाता के द्वारा प्रीवियस ईयर में कमाई गई धनराशि पर असेसमेंट ईयर में कर निर्धारण किया जाता है। वर्ष 2019-20 के लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 है। वर्ष 2020-21 के लिए असेसमेंट ईयर 2021-22 है। प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 3 गत वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें कोई व्यक्ति आय को कमाता है या अर्जित करता है और इससे अगला वर्ष जिसमें इस अर्जित आय पर कर लगाया जाता है उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है। प्रीवियस ईयर कर निर्धारण वर्ष से ठीक पिछला वित्तीय वर्ष है। हर प्रकार के करदाता के लिए और आय के हरेक स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष ही गत वर्ष होगा, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष व्यक्ति द्वारा प्रीवियस ईयर में कमाई गई टोटल इनकम पर फाइनेंस एक्ट में दिए गए रेट्स के अकॉर्डिंगली टैक्स लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि प्रीवियस ईयर 2019-20 में इनकम अर्न की है तो इस कमाई गई राशि पर असेसमेंट ईयर 2020-21 में कर निर्धारण किया जाएगा। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस वर्ष में इनकम अर्न की जाएगी उसे प्रीवियस ईयर कहेंगे और जिस वर्ष में करदाता कर चुकाता है उसे असेसमेंट ईयर कहा जाएगा। चलिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में अंतर को समझते हैं। प्रीवियस ईयर के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 3 है। कर निर्धारण वर्ष के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 है। प्रीवियस ईयर वह वर्ष है जिसमें असेसी आय कमाता है। प्रीवियस ईयर की आय पर जिस अगले वर्ष में कर लगाया जाता है उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। प्रीवियस ईयर कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष से है और कर निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 12 महीनों की वह अवधि है जो हर साल पहली अप्रैल को शुरू होती है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होती है। प्रीवियस ईयर 12 महीनों से कम अवधि के लिए भी हो सकता है। जैसे यदि कोई बिजनेस या प्रोफेशन मान लीजिए 17 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया तो इस केस में प्रीवियस ईयर 17 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का माना जाएगा और यदि कोई बिजनेस 15 जनवरी 2020 को शुरू किया गया तो इस केस में प्रीवियस ईयर 15 जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 का ही होगा, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीनों का ही रहेगा। अब बात करते हैं गत वर्ष से संबंधित सामान्य नियमों के अपवाद की। जैसा कि हमने अभी समझा कि गत वर्ष की आय पर असेसमेंट ईयर में टैक्स चुकाया जाता है, यानी जनरल रूल ये है कि असेसी की प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। फॉलोइंग केसेस में करदाताओं पर आय कमाने वाले वर्ष में ही टैक्स लग जाता है। पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स अंडर सेक्शन 172 अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आए। यदि अनिवासी की समुद्री जहाज द्वारा कोई सामान, डाक, पशु या पैसेंजर्स को इंडियन पोर्ट से ले जाने के व्यापार से प्राप्त राशि का 7.5% भाग कर योग्य आय मानकर करंट फाइनेंशियल ईयर में ही उस इनकम पर टैक्स ले लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई शिपिंग कंपनी 17 अक्टूबर 2020 को इंडियन पोर्ट से रवाना हो रही है और ये कुछ पीरियड के लिए इंडिया विजिट नहीं करेंगे तो पोर्ट छोड़ने से पहले उस नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस ओनर से 17 अक्टूबर 2020
को ही कर की वसूली करनी जाएगी। इस केस में प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 17 अक्टूबर 2020 है। जितना टोटल किराया भाड़ा चार्ज किया गया है उस शिपिंग बिजनेस ने, उसके ऊपर 7.5% टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। पर्संस लिविंग इंडिया हैविंग नो इंटेंशन टू कम बैक। यदि कोई व्यक्ति कर निर्धारण वर्ष में या उसके एकदम बाद इंडिया से जाने वाला है और उस व्यक्ति का इंडिया वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है, तो उसके जाने के एक्सपेक्टेड डेट तक की इनकम पर चालू वर्ष में ही टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर रोहित परमानेंटली कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। वे 2020 नवंबर 2020 को कनाडा के लिए रवाना होंगे, तो मिस्टर रोहित द्वारा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 20 नवंबर 2020 तक की कमाई गई इनकम पर इसी करंट असेसमेंट ईयर में टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, किसी विशेष घटना या प्रयोजन के लिए एओपी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को बनाया गया है। यदि असेसिंग ऑफिसर के नोटिस में ये बात आती है कि कोई एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन किसी खास मकसद के लिए या किसी खास प्रयोजन के लिए बनाया गया था और अब इसका विघटन हो रहा है या ये संस्था समाप्त हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति से उसके विघटन की संभावित देर तक की कुल आय पर चालू वर्ष में ही टैक्स ले लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स अंडर सेक्शन 175। यदि असेसिंग ऑफिसर के नोटिस में ये आता है कि कोई व्यक्ति कर बचाने के लिए अपने एसेट्स या प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने वाला है, तो उसके उस वर्ष की आय पर ही चालू वर्ष में ही टैक्स ले लिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन अंडर सेक्शन 176। यदि कोई व्यापार या पेशे के बंद होने की कगार पर है, तो उस बिजनेस और प्रोफेशन की बंद करने की तिथि तक की आय पर चालू वर्ष में ही टैक्स ले लिया जाएगा। इन पांचों पॉइंट्स में दी गई आय पर संबंधित वित्त वर्ष की आय पर एडवांस टैक्स के लिए प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 17 अक्टूबर 2020 को इंडिया से जा रहा है, तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 17 अक्टूबर 2020 तक की इनकम पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में एडवांस टैक्स देने के लिए जो रेट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उन रेट्स से कर देना होगा। अब बात करते हैं असाइनमेंट की। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, डू यू एग्री? इफ नॉट, गिव एन एक्सप्लेनेशन टू दिस स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर वही है जो अभी हमने एक्सेप्शंस किए हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। पढ़िए और मुश्किलों को हल कीजिए।